बैक गाइस, आप लोग कैसे हो? आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो नाली युद्रा रिव्यू के ऊपर है, तो देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना। आपको क्या लगा, हैट्रिक सिर्फ क्रिकेट में लगाई जाती है? बिल्कुल गलत, सिनेमा में भी हो सकता है, और जिस बंदे ने किया है वो सच में कमाल है। पहले किल ने ऑडियंस को सबसे ज्यादा थिएटर में डराया, उसके बाद 11/11 ने OTT पे पब्लिक का दिमाग घुमाया। नाम राघव है और काम वही करना जो असंभव है। फिर से कमबैक किया है इस बंदे ने, और शर्म वाली बात यह है कि मैंने फिल्म का टिकट हीरो नहीं विलन को देखने के विलन को देखने के राघव भैया जिंदाबाद। तो यार, देखते रही हूं मैं फिल्म युद्रा, और जैसा एक्शन इसके ट्रेलर को देखने के बाद एक्सपेक्टेड था, सेम उस लेवल को मैच कर दिया है पूरी फिल्म ने। एक एक पंच, एक एक मुक्का सुनाई देता है, साउंड इफेक्ट बड़े जोर का बजता है, रेड लाइट से धुआं उड़ाना, ये जिस बंदे ने सोचा उसकी सैलरी अभी चाहिए बढ़ाना। और बॉस बांसुरी, फ्लूट को कभी पुरानी नजर से नहीं देख पाओगे और ना ही कभी लॉलीपॉप खाने जाओगे, ऐसा खूनी इस्तेमाल एक्शन सीन में इन दोनों का कभी नहीं हुआ। सबसे शॉकिंग बात तो ये है कि फिल्म को US सर्टिफिकेट कैसे मिल गया, क्योंकि गिनती के 5-6 सीन्स ऐसे हैं जिनको देखकर थिएटर में बैठा हर बंदा हिल गया। कुछ स्पेशल कैटेगरी के लोग होते हैं जो बेचारे कॉकरोच को देखकर भी डर जाते हैं, उनको तो युद्रा आंखें बंद करके ही देखनी पड़ेगी। अभी से वॉर्न कर देती हूँ, फिल्म में जेल के अंदर एक सीन शूट किया गया है, वहाँ पे सच में दिमाग का दही हो गया है, खुद को उसके लिए तैयार रखना, क्योंकि किसी भी वक्त स्क्रीन पे कुछ ऐसा सीन आ सकता है जो सपनों में भी बिना आंखें बंद किए नहीं देखा जा सकता है। सेम टू सेम किल की यादें ताजा हो गई हैं। वैसे काफी टाइम से बॉलीवुड में रेस जैसी मूवीज को मिस कर रही थी मैं, आप भी कर रहे होंगे। ट्विस्ट के अंदर ट्विस्ट, उसके अंदर ट्विस्ट, फिर एक और आखिरी ट्विस्ट, और इसके बाद एंड में क्या पता चलता है, ये हीरो नहीं विलन है, हम लोग शुरुआत से ही गलत बंदे को सपोर्ट कर रहे थे, शिट। तो हाँ, युद्रा के पास एक्शन है, लास्ट तक चलने वाला सस्पेंस है, पब्लिक फेवरेट विलन है, और हीरो कौन, वो जिसने रणवीर सिंह को उनकी ही फिल्म में ओवरशैडो कर दिया। तो युद्रा की कहानी चोर पुलिस की है, जिसके बीच में ड्रग्स आ गया है, 1-2-3 नहीं पूरे 5,000 हो गया है, एक तरीके से ड्रग्स मार्केट क्रैश हो गया है। चोर पुलिस के बीच में साइड चुनना आसान है, लेकिन क्या पता जिसने यूनिफॉर्म पहना है उसके अंदर भी शैतान है। ट्विस्ट नंबर 1 की शुरुआत यही तो है, धोखा। जो जैसा दिखता है वो वैसा है नहीं, और जो जैसा है वैसा दिखेगा नहीं, माने किसी भी कैरेक्टर पे शक कर सकते हो आप, गलती से भरोसा मत करना। बस यहीं पे मार लो मैदान, युद्रा के पास सबसे बड़ा मौका है, 150 की स्पीड पे बाइक भगाने वाला लफंगा 5,000 किलो कोकेन पकड़ेगा, वाह क्या एंगल सोचा है। बट लाइफ की तरह इस कहानी में भी अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट होने का सर जी, जिसको समझा हीरो वो तो ड्रग माफिया के राजा का वजीर होने का सर जी, युद्रा विलन है, शिट। अच्छा, वैसे शतरंज के गेम में एक रानी भी होती है ना, तो इस कहानी में ये खूबसूरत रानी राजा की कुर्सी बचाएगी या फिर उसको डुबाने की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। अब भाई, नेशनल सिनेमा डे चल रहा है, सिर्फ 99 रुपीज में इतना सब कुछ मिल रहा है, तो हाँ यार, 101% ये कोई बुरी डील तो नहीं हो सकती है। बट दोनों आंखों के बीच में दिमाग भी होता है, वहीं पे युद्रा अपनी सारी बनी बनाई इज्जत को पानी से धोता है। एक्शन एक्शन एक्शन, लेकिन कहाँ है बाकी का फन। फिल्म का प्रेजेंटेशन काफी रिपीटेटिव है भैया, माने बचपन से ऐसा सिनेमा बहुत बार देखा है, इसीलिए 24 में वही सेम चीज बनाना बहुत बड़ा धोखा है। 100 बात की 1 बात, आप जिस चीज के लिए थिएटर जा रहे हो युद्रा वर्सेस राघव देखने, वो सीन उतना ही फीका है, उतना ही हल्का है, बहुत छोटा, बहुत कम है। उल्टा फिल्म बनाने वाले लोगों का ध्यान बीच बीच में गानों पे अटक जाता है, जबरदस्ती का रोमांस चालू हो जाता है, और फिल्म का एक्शन गलत रास्ते पे भटक जाता है। पता नहीं क्या लालच है एक फिल्म में 5-6 गाने डालने का, वो भी ऐसे जिनके 5-6 शब्द तक समझ नहीं आते। प्रमोशनल बना दो, लोगों को चॉइस दिला दो, जिसको देखना है वो देखेगा, बाकी उठ के घर चला जाएगा, कहानी को पॉज मोड पे क्यों डाल दिया सर। युद्रा को 5 में से 2.5 स्टार्स मिलेंगे एक्शन, लॉलीपॉप और राघव के कैमियो की वजह से, जबकि फालतू के मिसफिट गाने, कहानी दिखाने के तरीके पुराने, और राघव वर्सेस सिद्धांत के अल्टीमेट फेस ऑफ को बर्बाद करने के बहाने 2.5 स्टार आराम से हैं कट जाने। पैसा आपका, टाइम आपका, सिनेमा डे तैयार है, बस इतना याद रखना फिल्म के अंदर एक्शन कमाल। तो आप लोगों ने देख लिया है कि युद्रा मूवी का रवि विलन हीरो कौन, क्या कब क्या हो जाए, मतलब कौन शतरंज कैसे चाल चल जाए, मतलब ट्विस्ट पे ट्विस्ट, ट्विस्ट पे ट्विस्ट है इसके अंदर, जो आपको देखने पे हैरान कर देंगे। आप देखेंगे तो आपको अलग ही ट्विस्ट दिखेगा, आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या होने वाला है, और आप शौक से हो जाते हो। तो आप लोग बताना कि आपको लोगों के रिव्यू कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना, और आप लोग वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना।